और इधर लोकसभा चुनाव के पहले चरण का जो शोर है वो आज थम जाएगा और पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि देखिए 5 बजे तक चुनाव प्रचार का अंतिम जो समय था वो था और पहले चरण के लिए जो शोर था चुनाव प्रचार का वो खत्म हो गया है। तो लोकसभा चुनाव में पहले चरण की जो वोटिंग होगी सभी 102 सीटों के लिए, पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है। पहले चरण का जो चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होंगे। और मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश की 6 सीटें और 36 की एकमात्र बस्तर सीट पर मतदान होगा। वहीं बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में भी वोट डाले जाएंगे। यूपी की 8 सीटें होंगी जहां वोट पड़ेंगे, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होगा, राजस्थान की 12, उत्तराखंड की 5, असम की 4 सीटों पर वोटिंग होगी और मेघालय की 2, मणिपुर की 2, अरुणाचल की 2, महाराष्ट्र की 5, तमिलनाडु की 39 और मिजोरम की 1, नागालैंड की 1 सीट पर वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को। सिक्किम की भी 1 सीट, वहीं त्रिपुरा की भी 1 सीट पर वोटिंग होगी, अंडमान एंड निकोबार की भी 1 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1 सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। तो पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है और लगातार जो जोर आजमाइश हो रही थी उस जोर आजमाइश का अब कहीं ना कहीं फल मिलने वाला है 19 तारीख को और उसका नतीजा 4 जून को आएगा। लेकिन 19 अप्रैल से पहले देखिए पूरी तरीके से चुनाव प्रचार थम गया इन सभी सीटों पर और खासतौर पर मध्य प्रदेश की जो 6 अहम सीटें हैं उन 6 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। इसमें सबसे ज्यादा अहम और हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा की मानी जा रही है और गौरव गुप्ता मेरे साथ, मेरे सहयोगी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए गौरव, 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, 1 सीट पर छत्तीसगढ़ में। चुनाव का प्रचार थम गया लेकिन अब ये जो दौर है, ये जो वक्त है 19 तारीख से पहले का, ये कहा जाता है कि बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा और सबके मन में कहीं ना कहीं वो तूफान उठेगा उस वक्त सभी प्रत्याशियों और सभी पार्टियों के लोगों के और दिग्गजों के मन में। देखिए बिल्कुल जैसा कि नियम है कि जब वोटिंग होती है, वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे पहले जो प्रचार प्रसार है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो अब समय है जब जो पहले चरण के मतदान मध्य प्रदेश में होने हैं उसके लिए प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। अब इसमें बताना चाहूंगा कि 6 सीटों के लिए पहले चरण में मतदान होने हैं जिसमें सीधी, शहडोल, जौनपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा लोकसभा सीटें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो हाई प्रोफाइल सीट इन 6 लोकसभा सीटों में है वो है छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है, पूरे देश की नजर इस सीट पर है क्योंकि बीजेपी ने पूरा दमखम, पूरी एड़ी चोटी का जोर छिंदवाड़ा सीट पर लगा दिया है और अब यहाँ के लिए जो प्रचार प्रसार था वो खत्म हो चुका है और 19 तारीख को यहाँ पे मतदान होने हैं। इसके अलावा हम मंडला देखें तो मंडला लोकसभा सीट पर भी काफी ज्यादा नजर इस वक्त देखी जा रही है क्योंकि मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस से जो ओमकार सिंह मरकाम है उन्हें काफी मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। लेकिन अगर छिंदवाड़ा की बात करें, एक तरफ बंटी साहू तो दूसरी तरफ नकुल नाथ है, तो ये 2 सीटें जो बहुत महत्वपूर्ण इस पहले चरण के मतदान के लिए है इसको लेकर सभी की नजरें हैं और अब साथ थम जाएंगी। अब ये इंतजार रहेगा मतदान के दिन का। ठीक है गौरव आप बने रहिएगा मेरे साथ। अंकुश भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, रायपुर से मौजूद है वो इस वक्त मेरे साथ। अंकुश देखिए बस्तर की एकमात्र सीट, बीते दिनों हम देख रहे हैं कि लगातार जो नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं उन्हें भी अंजाम दिया जा रहा है और बस्तर की आबो हवा में कहीं ना कहीं नक्सलवाद का जो जहर है उसमें कमी आई है। ऐसे में कहा जाए कि अगर बेहतर माहौल में चुनाव होगा तो शायद गलत नहीं होगा। कितना तैयारी हो रही है और प्रशासन कितना मुस्तैद? देखिए छत्तीसगढ़ में 3 चरण में मतदान होना है और पहले चरण की अगर बात करें तो 19 तारीख को जो मतदान होगा उसके प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया है वो आज से थम गई है और अब सार्वजनिक रूप से या फिर शक्ति प्रदर्शन का जो प्रचार प्रसार था वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है और अब केवल और केवल जो है डोर टू डोर कैंपेन कैंडिडेट कर सकेंगे। बस्तर संभाग की काफी महत्वपूर्ण सीट है, काफी चर्चित सीट है और ये बस्तर संभाग की वो सीट है जो हमेशा से नक्सल प्रभावित रही है। अभी भी नक्सलियों का कहीं ना कहीं यहाँ पर दखल है और उनके खिलाफ जो है सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। हम बात करें तो बीते 24 घंटे में एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने किया है जिसमें करीब 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और बाकी वहां पर सर्चिंग अभियान जारी है। काफी हॉट सीट इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि यहाँ पर 2019 में भी जब मोदी लहर चल रही थी उस दौरान भी कांग्रेस सीट यहां पर कांग्रेस ने सीट निकाली थी और ऐसे में इस बार कांग्रेस पार्टी ने 6 बार के विधायक और एक बार के मंत्री रहे
कवासी लखमा को यहां से टिकट दिया है, तो दूसरी तरफ महेश कश्यप जो संघ से जुड़े हुए नेता है और बाकी जमीनी स्तर के नेता ये माने जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं, उन पर बीजेपी ने दाव खेला है। तो काफी मुकाबला जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 19 तारीख को मतदान होगा और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब ये स्पष्ट होगा कि जनता ने किस प्रत्याशी को अपना मत दिया है और कौन वहां से जीत कर आया है, कौन वहां पर हारा है। ऐसे में प्रचार प्रसार की प्रक्रिया के तौर पर अगर देखें तो आज से प्रचार सार्वजनिक प्रचार जो है, शक्ति प्रदर्शन वाला प्रचार जो है यहाँ पर भी थम गया है, लेकिन चुनाव यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसको लेकर 4 जून का इंतजार किया जा रहा है। पहले 19 ठीक है, लेकिन 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 मैं अंकुश आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि बस्तर में चुनाव करना जो है, वोटिंग कराना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है सुरक्षा बलों के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, तो ऐसे में खास क्या तैयारी की गई है बस्तर की सभी पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए बस्तर में जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, काफी चुनौतीपूर्ण हमेशा से रहे हैं और इस बार भी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिना चुनौती के चुनाव संपन्न हो जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे सुरक्षा बल यहाँ पर मजबूती से चुनाव कराते हुए नजर आ रहे हैं। और निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो ऐसी ऐसी जगहों पर भी निर्वाचन कराने की तैयारी की गई है जहां पर आजादी के बाद से अब तक कभी वोट ही नहीं डाला गया था या वहां के लोगों ने वोट ही नहीं डाला था। अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि जब हमने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा इलाके में जो डीआरजी के जवान है जो पहले कभी नक्सली हुआ करते थे, उन्होंने सरेंडर किया और अब डीआरजी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने इस बार पहली बार अपने वोट के अधिकार का प्रयोग किया है और इसी वोट की ताकत के चलते वो लोग मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर पहुंच मार्ग नहीं है, ना तो चार पहिया वाहन से वहां पहुंचा जा सकता है, ना ही दो पहिया वाहन से वहां पहुंचा जा सकता है, केवल या तो पैदल पहुंचा जा सकता है या फिर हवाई मार्ग से। तो ऐसे करीब बहुत सारे ऐसे बूथ है जहां पर इस बार निर्वाचन आयोग ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो मतदान दल है वो वहां पर रवाना किया है, वहां पर पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और 19 तारीख को वहां पर मतदान कराया जाएगा। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दल पहुंचे हैं, तो उसमें अधिकतर ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें पहली बार आज बार मतदान होते हुए दिखाई देगा। बाकी कुछ ऐसे बूथ है जहां पर पिछली बार भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दल भेजा गया था और वहां पर वोटिंग कराई गई थी। तो अलग अलग तस्वीरें जो है हर बार हर चुनाव में वहां पर देखने को मिलती है और इस बार भी कुछ बदली हुई तस्वीर जो है इस चुनाव से निकलकर सामने आएगी। ठीक है, गौरव भी मेरे साथ लगातार मौजूद है। गौरव, देखिए बस्तर की बात तो हो गई, वहां पर जाहिर सी बात है चुनौतियां ज्यादा होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर विशेष इंतजाम क्या है? क्योंकि हमने देखिए स्वीप प्रोग्राम भी चलाया गया, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ संवेदनशील बूथ हो या अति संवेदनशील बूथ हो, वहां पर कुछ विशेष इंतजाम, पिंक बूथों का इंतजाम, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें जिन लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं उसमें एक बालाघाट ऐसी जगह है जो थोड़ा संवेदनशील माना जाता है क्योंकि बालाघाट भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो ऐसे में यहाँ पे जो विशेष व्यवस्था यहाँ पे सुरक्षा के लेकर किए गए हैं, यहाँ पे आउटपोस्ट भी यहाँ पे ड्यूटी पर तैनात रहेगी। क्योंकि यहाँ के जो संवेदनशील, अगर हम बालाघाट के दक्षिणी हिस्से की बात करें तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला है और यहाँ पे नक्सल मूवमेंट काफी ज्यादा देखा जाता है, तो यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पे तो तैनात रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा हॉकपुर की भी इन चुनावों में मदद दी जाएगी और वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। हालांकि अगर हम देखें तो मंडला जिले में भी कुछ मूवमेंट देखा जाता है, लेकिन ये ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, तो सुरक्षा के लिहाज से मंडला में इतनी ज्यादा संवेदनशील सीटें नहीं है, लेकिन अगर हम क्षेत्र नहीं है लेकिन बालाघाट को देखें तो इन 6 लोकसभा सीटों में एक बालाघाट ही ऐसा जिला है, ऐसी लोकसभा सीट है जो थोड़ा संवेदनशील माना जाता है। इसके अलावा अगर हम छिंदवाड़ा की बात करेंगे तो छिंदवाड़ा जो है वो महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है, यहाँ की कुछ सीटें संवेदनशील जरूर है और उसको लेकर भी यहाँ पे काफी जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं, खासकर उन सीटों पर जो महाराष्ट्र बॉर्डर पर आती है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पहले चरण के मतदान में 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं तो उनके 6 की 6 लोकसभा सीटों को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर यहाँ पे किए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने भी साफ तौर पर यहाँ पे निर्देश दिए थे, जिसके बाद पूरे सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि बूथ कैचिंग किसी भी घटना यहाँ पे भारी बल यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई दूसरी घटना यहाँ पे ना हो।
नक्सली प्रभाव जो इन क्षेत्रों में देखा जाता है वहां पे कोई भी घटना यहाँ पे ना हो, तो तमाम ये जो इंतजाम है वो यहाँ पे तो कर लिए गए हैं। और इसी वजह से छह चरणों में जो पहले चरण के चुनाव होने हैं उसमें बालाघाट को भी रखा गया है, क्योंकि बाकी की जो पांच लोकसभा सीटें हैं वो इतनी संवेदनशील नहीं है और ज्यादातर जो फोकस रहने वाला है वो बालाघाट की सुरक्षा व्यवस्था पर रहने वाला है। लेकिन अगर हम चुनावी इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीट पहले चरण के मतदान में मंडला और छिंदवाड़ा है, जिस पर पूरे देश की नजर है। खासकर छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो इस दिन के मतदान का इंतजार सभी को है। जी हाँ बिल्कुल। और छिंदवाड़ा का जो किला है वो कौन फतह करेगा ये देखना होगा। मंडला में क्या स्थिति रहेगी देखने वाली बातों की नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका गौरव और अंकुश। थैंक यू।